विजय नाम का आदमी रहता था। बचपन से उसे ऑडी कार खरीदने का खूब मन करता था। पूरे गांव में लोग उसे ऑडी कार अजय के नाम से ही बुलाते थे। अजय ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की और अच्छी सी नौकरी भी करता था। उसने जरूरत के सारे पैसे इकट्ठे किए और एक दिन ऑफिस से घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वेंकट नाम का दोस्त मिला। क्यों बे ऑडी कार? कार कहाँ है? पैदल क्यों जा रहा है? खरीद लूंगा यार, अब वक्त आ गया है, तू देखता रहे बस। अरे चल जा, कितने सालों से यही बातें सुन रहे हैं। पिताजी, बचपन से मैंने जो सपना देखा आज वो साकार होने वाला है। क्या हुआ बेटा? आज मेरे पास ऑडी कार खरीदने जितने पैसे आ गए हैं। चलिए जाकर कार खरीद लाते हैं। ये क्या बेटा, घर में शादी के लायक बहन है और तू सारा पैसा कार खरीदने पे खर्च देगा? हमारा घर अब पुराना हो चुका है, इस घर को देखकर तेरी बहन से शादी कौन करेगा? पहले हमें एक नया घर बनाना होगा, उसके बाद बहन की शादी करके तू अपना कार खरीद लेना। अपने माँ पिताजी की बातें सुनकर अजय ने अपने बचपन के सपने को अपने मन में ही रख लिया। ठीक है पिताजी, कार का क्या है, कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन पहले बहन की शादी करवानी होगी। जैसा आप कहें वैसा ही करते हैं। एक दिन अजय के पास वेंकट आया। क्यों रे, कार के बदले घर बना रहा है? अरे पगले, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूर से इन दोनों की बातें सुनने वाला जीवन अजय के पास आकर बोला, क्यों बेटा, क्या बोल रहा था वो? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो किसी दावत के बारे में बात कर रहा था, उसने झूठ बोल दिया। अजय की बात सुनकर जीवन बोला, उसने ऑडी कार के लिए जो पैसे बचाए थे मैं उससे घर बनवा रहा हूँ, इसीलिए वो अपना दुख मुझसे छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। उसने मन में सोचा, ठीक है बेटा, आज से घर का सारा काम मैं संभाल लूंगा, तू इधर मत आना। अरे क्यों पिताजी? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तू यहाँ से जा। ऐसा बोलकर उसने अजय को वहाँ से भेज दिया और उस घर के कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुँचा। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर उसने कुछ बातें की। सारी बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्टर बोला, ठीक है सर, आप जैसे बाप बेटों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, जैसा आपने बोला वैसा ही करूँगा। एक दिन जीवन अपने बेटे अजय के पास पहुँचा। अरे बेटा चल नए घर चलते हैं। दोनों ऑटो में चढ़कर एक जगह पहुंचे। अजय उतरकर चारों तरफ देखता है। उसके सामने एक बहुत बड़े आकार का ऑडी कार था। उसे देखकर अजय दंग रह गया। ये क्या पिताजी, आपने बोला घर चलेंगे लेकिन ये कोई ऑडी कार का शोरूम लगता है। देखिए तो, उसने अपना शोरूम ऑडी कार जैसा बना दिया। Oh, no. बेटा ना ये कार है ना शोरूम है, ये अपना घर है। मेरी वजह से तेरे ऑडी कार खरीदने का सपना साकार नहीं हो सका, तुझे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने अपने घर को ऑडी कार जैसा बनवाया है। कैसा लगा? पूछ रहे हैं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पिताजी, थैंक यू पिताजी। अजय बहुत खुश हो गया। अजय ने अपने बहन की शादी भी उसी घर में करवाई और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अच्छी खबर के पीछे पीछे ही बुरी खबर भी आ जाती है। अजय के घर में पोस्टमैन की दस्तक होती है। भाई साहब, आपके लिए लेटर आया है और लेटर का कलर गुलाबी है, बोले तो पिंक है। पिंक लेटर में कोई अच्छी खबरें तो नहीं आती, फिर भी आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए। अजय लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही थी, इसीलिए कॉस्ट कटिंग के चलते उसकी नौकरी चली गई है। अजय की खुशियां इस खबर के साथ उड़ जाती है। उसके दिमाग में इस बात की चिंता घर कर जाती है कि अब घर कैसे चलेगा। तभी वहां से एक दोस्त आता है। अरे वही जिसे आपने पिछले एपिसोड में भी देखा, जबान कैसे भी हो पर दिल का बुरा नहीं है हमारा वेंकट।
क्या बात है मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या प्रॉब्लम हो गई? तेरी शक्ल के तोते उड़े हुए हैं। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों लग रहा है कि तू विधवा हो गया शादी करे बिना? रंडवा हो गया शादी करे बिना? ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरे हाथ में कुछ आया और मुंह न लगा? बकवास बंद कर यार, मेरी नौकरी चली गई है। मुझे नहीं पता कि कैसे अपने घर का पालन पोषण करूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और तुझे मजाक की पड़ी है? ये बात सुनकर बेचारा वेंकट भी सोच में पड़ जाता है और दोनों के दोनों ये सोचने लगते हैं कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। अजय को इस बात का भी डर है कि जब वह ये बात अपने पिता को बताएगा तो उसे कितनी परेशानी होगी, उनकी चिंता कितनी ज्यादा हो जाएगी। अजय ऐसा नहीं चाहता है कि उसके माँ बाप को ये दुख उठाना पड़े और वेंकट भी नहीं चाहता कि उसके दोस्त को ये दिन देखने पड़े। दोनों के दोनों सोचते हुए शहर में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर शहर के एक बड़े म्यूजियम पर पड़ती है। वह देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर बाहर आ रहे हैं और तो और टिकट की लाइन भी बड़ी लंबी है। तभी दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। अजय दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपने पिताजी से बोलता है। अजय के पिता उसकी बात मान लेते हैं और उनका सारा परिवार दूसरे घर में रहने चले जाता है। कुछ दिनों बाद अजय के पिताजी अपने घर के सामने घूमने आते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि इस घर को एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है और खूबसूरत ऑडी कार के आकार का होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं। टिकट की लाइन भी बड़ी लंबी है और टिकट काउंटर पर वेंकट बैठा हुआ था। ये तुमने क्या किया बेटा? ये मैंने आपसे ही सीखा है पिताजी। याद है आपने मेरी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने घर को ऑडी कार में परिवर्तित कर दिया था? ठीक वैसे ही मेरी नौकरी चली गई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके घर को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है अजय। उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपने परिवार का ऐसा ही ध्यान रखोगे। अभी किसी का कहीं जाने का समय नहीं आया पिताजी, अभी तो नोट गिनने का समय है। दुनिया में हर समस्या के अंदर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी या मौका छुपा होता है। अगर आप अजय जैसे हैं, तो आप इसके अंदर कोई ना कोई सफलता का दरवाजा जरूर देख लेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, हम आगे देखेंगे कि ऑडी कार वाले अजय का क्या हुआ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।